आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। मैं वीर कुंवर जी की पोत वधु हूँ। आज हमारा किला जो है, मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, एसपी तक मेरे पैर चूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं मल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। वीर कुंवर सिंह जी के ही पौत्र वधु को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रशासन ने उनके घर में नजरबंद किया। उन्हें कुंवर सिंह जी के मूर्ति पर माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। बिहार पुलिस ने कुंवर सिंह जी के प्रपौत्र की हत्या कर दी, जिसका अब तक न्याय नहीं हुआ है। वो कह रही हैं, हमारे दादा वीर कुंवर सिंह जाति विशेष नहीं बल्कि राष्ट्र के थे। उन्हें एक जाति तक सीमित करने की साजिश है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश के इतिहास का। अमित शाह जी, ये बिहार है और बिहार के ऐतिहासिक पुरुषों के साथ आपका खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा। समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पोत वधु हूँ और आज हमारा किला जो है, मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, एसपी तक मेरे पैर चूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ, जिस परिवार की पोत वधु पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है, वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपापोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं मल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।